निश्चित तौर पर सिस्टम म्यूजिटी की दावा की बात है रुझानों को देखते हुए जिस तरीके से अभी भी इंडिया गठबंधन देश के आसपास है एनडीए के जो शामिल मिल रही है तो इंडिया गठबंधन सक्रिय हो गया है। खुद ये दावा कर रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार एनसीपी के शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से फोन पर बातचीत की है। उन्हें ऑफर दिया है कि वो अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो वो निश्चित तौर पर बढ़िया रहेगा। हालांकि अभी तक इंडिया ये कह रहा था कि कल जो बैठक है उसके बाद क्या होगा, लेकिन अब बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन ने कवायद शुरू कर दी है। शरद पवार ने न सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फोन किया बल्कि चंद्रबाबू नायडू को फोन किया है और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। कहा गया है कि आपको इस पद के लिए भी इंडिया गठबंधन विचार करेगा, जबकि चंद्रबाबू नायडू से कहा गया है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा अगर इंडिया की सरकार बनती है। इन दो विकल्पों को देखते हुए शरद पवार ने इन दोनों से बात की है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि कल इंडिया गठबंधन से बैठक हो सकती है और उसके बाद औपचारिक तौर पर अन्य दल है उनसे भी बातचीत की कवायद शुरू कर दी जाएगी। चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस खबर के लिए आपका। और चलिए एक रिएक्शन भी हम लेंगे और हमारे साथ अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति जो सबका भेद जानते हैं, भेद वो एनडीए का भी जानते हैं, भेद वो एनडीए का भी जानते हैं, हर घर के आंगन में घूम करके आए हैं, और क्या अब ऐसा ही कुछ अब माहौल लग रहा है क्या जिस तरीके से फोन आने शुरू हो गए हैं? देखिए नीतीश कुमार भाग्य बली, इसमें कहीं कोई शक नहीं, कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में, लेकिन इस समय की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। पहली परिस्थिति ये है कि नीतीश कुमार की हाल की जो तस्वीर है उससे उनकी मनोस्थिति का पता लगता है, जिसमें वो कभी कहते हैं अब की बार 4000 पार, कभी वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके पीछे भी पूरी सीरीज है। तो उससे पता लगता है कि वो स्मृति लोप के शिकार हैं। उनके इर्द गिर्द जो उनकी पार्टी के कुछ विश्वस्त नेता हैं वो उनको चलाते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब क्राइसिस का वक्त है, तो ये